इंडिया समर डिफेंस सिस्टम इन एक्शन। इंडिया ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है। मोदी इन एक्शन। वायुसेना ने जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है। और इस मिसाइल को जो जो टारगेट जो जो पैरामीटर्स दिए गए थे वो इस मिसाइल ने 100% अचीव किए। और इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जो हवा में एक साथ 4 टारगेट को निशाना बना सकता है। यही बताता है कि वो 2 दफा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। In a bid to showcase its indigenous weapon systems for potential export, India has successfully exhibited the capabilities of its Akash surface to air weapon system. हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं, ये कामयाब तजर्बा किया गया है। सीखना चाहें तो आप अपने मुल्क से सीखें, अपने घर से सीखें। इंडिया कौन होता है हमें सिखाने वाला, जिसके अपने मिसाइल जो है हजारों दफा फेल होते हैं उसके बाद कामयाब। तो हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही बार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी। फेल हो गए फिर कामयाब भी तो होते हैं, और फेल भी इसलिए होते हैं कि वो टेस्ट करते हैं, हम तो टेस्ट ही नहीं करते। कि ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, ये धमकी है कि जो इंडिया के खिलाफ है और उनको इंडिया की तरक्की पसंद नहीं है और वो उसके ऊपर बड़ी बातें बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो जंग कर लेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक रिप्लाई है, ये एक जवाब दिया गया। 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है, इस वक्त पूरी दुनिया में इस मिसाइल के चर्चे हो रहे हैं। जो इंडियन मीडिया है वो हमें ये बता रहा है कि मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक, और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध, यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो अगर उनका दुश्मन ताक ताक के निशाने बांध रहा है तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स, ये बाकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है, बल्कि देखें कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो दो ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त जो हो रहा है ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच, ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है, और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्य लंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, समर इज ए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसमें ये डेवलप किया गया IAF-7 बेस, और इसमें रिपेयर डिपो, ये सारी इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें देखें ये तो अपनी जगह पर के काफी अरसे से जो है इस तरह की बहुत सारी उनके जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी हथियार जो है तैयार किए जाते हैं, इससे पहले हमने देखा कि उनके वजीर आजम मोदी साहब जो है वो तेजस में सफर करते हुए नजर आए और उन्होंने खुद जो है वो तेजस चलाया और फिर उसकी वीडियोस दूर दूर तक फैली जिसमें ये कहा गया कि मोदी इन एक्शन, या ये भी कहा गया कि ये तो टॉप गन वाला सीन है और जो मोदी है वो उसके एक टॉप गन जो मूवी थी टॉम क्रूज की तरीके से जो है वो उन्होंने वजीर आजम मोदी ने इसमें जो है उड़ान भरी है। तो उसी के साथ अब फिर और भी बहुत सारी चीजें चलती रही, लेकिन अब इस वक्त ये जो हमारी चीज सामने आई है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर
मतलब देखे ना, ये जो पाकिस्तान की तरफ से 300 बार जंग की बात की गई, वो सिर्फ यही नहीं कहा गया, उसके अंदर ये भी कहा गया था कि हमने करनी ही करनी है जंग, तो हमने करनी करनी है, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, आपको बताया। तो जब एक कंट्री जो है आपके इस तरह के ताल्लुकात चल रहे हों और आपके हमसाया कंट्रीज जो हैं उनके साथ आपकी ऐसे रिलेशंस हो जिसमें हर नए दिन एक नई बात सामने आ रही हो, उस दौरान जो है अगर वजीरे आजम उठकर ये कहेगा कि हमने करनी ही करनी है लेकिन हम जो वक्त है उसका इंतखाब हम खुद करेंगे, तो फिर तो मतलब किसी भी तरह के जवाब के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसमें ये जो मैं बात कर रही हूँ कि जनाब ये इस वजह से ही, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट इस वजह का, ये मतलब कहना है कि जाहरी बात उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है, हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और इंडिया जितने भी मिसाइल जितने असलहा बनाए इंशाल्लाह हम भी बनाते, हमारा फौज पर हमारे पहाड़ हमारा है, आपने बोला ठीक है टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, जाहरी बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है, और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया, हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पर, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? वो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया, हम जब जो उसके वो टेंके जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए, हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टेंकों को रोक दिया, उसके टेंकों इंडिया को और पसपा कर दिया, और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज हमारे जवान पहुंच गए थे। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, दो दफ़ा लाहौर तक आए, ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें यही बताता है कि वो दो दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो ना लहराऊंगा, लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुँच